आपके ऊपर भी टैक्स का बर्डन बढ़ता जा रहा है? क्या आप भी टैक्स पे कर करके परेशान हो चुके हो? वॉट इफ इंडिया एक ऐसी कंट्री होती जहाँ जीरो टैक्स होता, जैसे कुवैत, ओमान, कतर, जहाँ इंडिविजुअल्स की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। क्या इंडिया का नाम कभी इस लिस्ट में आ सकता है? भारत की 140 करोड़ की जनता में से अराउंड 7% लोग ही हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। अरे इतने तो मिल रहे हैं, थैंक यू बोलना चाहिए, बट उसके बजाय मिल क्या रहा है? टैक्स का और भी ज्यादा बर्डन। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारत में टैक्स का बर्डन इतना है क्यों। उससे पहले जरा फ्रीडम ऐप के चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मिस ना हो जाए। और ये तो फ्री भी है। हर साल कहीं ना कहीं चीजें और महंगी होती जा रही हैं, जिस पर टैक्स भी ज्यादा होता रहता है। वैसे इस फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजीम के अंडर अप टू 7 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये काफी लोगों के लिए राहत की बात तो है, लेकिन फिर भी आम आदमी की जेब को राहत क्यों नहीं मिल रही है? आखिर क्या है ये टैक्स का बढ़ता बर्डन? जहाँ 5 साल पहले आपका घर खर्च 20,000 में होता था, वहाँ अब 35,000 से 40,000 रुपए लग जाते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, अपनी देसी भाषा में महंगाई। जहाँ खर्चा तो सेम है लेकिन पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। और इससे कुछ राहत पाने के लिए आपके और मेरे जैसे आम लोग इन्वेस्टमेंट्स का रास्ता अपनाते हैं, जहाँ अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर हमें लगता है कि क्यों ना इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, या FD में, या इक्विटी में, या किसी सरकारी स्कीम में। लेकिन शायद वहां भी आम आदमी को चैन की सांस नहीं। 2017 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री हुआ करते थे, लेकिन फिर सरकार नए रूल्स लेकर आई जहां उन्होंने बोला कि अगर आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और 1 साल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको टैक्स पे करना होगा। क्या आपको भी यही लगता है कि एज अ टैक्स पेयर हमारा टैक्स बर्डन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है? वैसे आपने फ्रीडम ऐप के बारे में तो सुना है। अरे भाई, डाउनलोड करते ही आप बहुत सारी टैक्स सेविंग वीडियोस भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल कोर्सेज भी हैं जहां एक्सपर्ट्स आपको फाइनेंसिंग टिप्स देंगे, साथ साथ एग्रीकल्चर और बिजनेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स या कंजम्पशन टैक्स, जैसे GST। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जितनी आपकी इनकम है उतना ही आपको टैक्स देना होगा। लेकिन GST, फ्यूल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये होते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इसका आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स है, आपको पे करना ही पड़ेगा। जैसे आप बाहर शॉपिंग करने गए हो तो आपको 5 से 28% तक का टैक्स पे करना पड़ सकता है। शायद आप में से बहुत लोग बाइक अपने शौक के लिए चलाते होंगे, तो उस पर टैक्स तो आपने दिया होगा, लेकिन शायद आपको उतना बर्डन फील नहीं हुआ क्योंकि वो आपका शौक है। लेकिन जरा सोचिए कि उस जोमैटो वाले के लिए या उस रैपिडो वाले के लिए जिसकी इनकम आपसे शायद आधी है, लेकिन टैक्स उसे अपनी बाइक पर उतना ही पे करना पड़ा जितना आपने किया। चलिए मैं आपको इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती हूँ। RBI के अकॉर्डिंग FY23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वॉज एस्टिमेटेड एट 16.42 लाख करोड़, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वॉज एस्टिमेटेड एट 29.0 लाख करोड़। ये इशारा करता है इंडिया का बढ़ता रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये एक रीजन है भारत में बढ़ती इन्फ्लेशन का या महंगाई का। 2018-19 के बजट स्पीच में उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया था कि सैलरीड एम्प्लॉइज पे करते हैं 76,306 एज टैक्स, और उसी समय एक बिजनेस ओनर पे करता है 25,753 रुपीज। और उस समय के डेटा के अनुसार सैलरीड टैक्स पेयर थे 1.89 करोड़ और बिजनेस टैक्स पेयर थे 1.88 करोड़। इसे देखकर क्लियरली पता चलता है कि इनकम टैक्स का बोझ मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉइज उठाते हैं और उनको इसके बदले कुछ भी सरकार से नहीं मिलता। आपने वो नाइस ब्रदर वाली स्टोरी तो सुनी होगी ना। सोचिए, एक परिवार है जिसमें 2 भाई हैं। एक भाई बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छा पैसा कमाता है, घर पे भी काम करता है, मेहनत करता है, अपने माता पिता का ख्याल भी रखता है, और दूसरा भाई बिल्कुल बेकार, पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है, पैसे भी नहीं कमाता, घर पे भी कुछ नहीं देता और माँ बाप का भी इतना ख्याल नहीं रखता, पर हाँ रात को खाने के समय पर ज्यादा हिस्सा जरूर खाता है खाने का। आपको क्या लगता है एक आइडल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? एक घर में 2 भाई हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज 50-50 होनी चाहिए ना। लेकिन नाइस ब्रदर वाली स्टोरी में सारा का सारा बर्डन उसी इंसान पर आ गया है, उसी नाइस ब्रदर पर आ गया है एक्चुअली, जो ऑलरेडी सारा काम करता है, लेकिन जो कुछ नहीं करता उस पर दबाव देने के बजाय या उसे समझाने के बजाय उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। भारत में टैक्स भरने वालों की स्थिति भी कुछ इसी तरह है, वही नाइस भाई की सिचुएशन है। यानी ज्यादा बोझ सिर्फ टैक्स पेयर्स पर ही पड़ रहा है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स तो कम हो ही नहीं रही। तो क्या इंडिया कभी जीरो टैक्स नेशन बन सकता है? ऐसी कंट्रीज जहाँ टैक्स नहीं होता उन्हें टैक्स हेवन्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट ऐसी कंट्रीज भी हैं जो अपने रेजिडेंट्स के साथ साथ फॉरेनर से भी टैक्स नहीं लेती। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कुछ देश मानते हैं कि उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है टैक्स से। उन कंट्रीज को लगता है कि अगर विदेशी लोग उनके देश में आएंगे तो देखेंगे वहाँ कि वहाँ टैक्स कम है, तो वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे,
इससे देश में व्यापार भी बढ़ेगा और कंट्री की तरक्की भी होगी। अमेरिका में भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ टैक्स नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ डबल टैक्स होता है, जैसे एक फेडरल और एक स्टेट। कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ स्टेट टैक्स जीरो होता है। तो जो कंपनीज हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स उन्हीं स्टेट्स में शिफ्ट कर लेती हैं, जैसे टेस्ला। टेस्ला का गीगा फैक्ट्री टेक्सास में है जहाँ स्टेट टैक्स नहीं है। कंपनी जैसे एप्पल और फेसबुक, ये तो एक कदम और आगे निकली, ये अपना सारा मुनाफा आयरलैंड से लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का ढीला ढाला टैक्स सिस्टम इन्हें फायदा देता है। लेकिन इस पूरे व्यापार में कंपनी या लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? जाहिर सी बात है कि उनका टैक्स बचता है। इसीलिए कुछ कंपनीज के लिए भारत का टैक्स अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में भारी भारी टैक्सेस हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया बिना टैक्स के जी सकता है? आज भारत में बहुत सारे टैक्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज और सर्विस टैक्स जैसे। इंडिया में टैक्स अलग अलग सोर्सेज से आता है, यानी रेवेन्यू स्प्लिट है। अगर हम भारत से इनकम टैक्स हटा दें तो देश में खर्च करने के लिए पैसा आएगा कहां से? तो देश में खर्च करने के लिए पैसा होगा ही नहीं, जिसके लिए इंडिया को बाकी देशों से लोन लेना पड़ेगा तो फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स फॉर 140 करोड़ पॉपुलेशन। स्क्रीन पर दिखाई गई हेडलाइन ये बताती है कि इंडिया का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी ज्यादा है उसके बजट से। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इंडिया के लिए इनकम टैक्स को हटाने का मतलब है भारत को बैंकरप्ट घोषित करना। तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे भारत के लोगों को टैक्स बर्डन कम फील हो? क्या हमें टैक्स बेस बढ़ा देना चाहिए? क्या देश को अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करने चाहिए? क्या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए? आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं जानती हूँ कि आपके पास अपने सॉल्यूशंस होंगे, तो हम उनका इंतजार करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।